नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टूडी टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूं प्यार में धोखा देने वाली 2 घंटे में आपके कदमों में आकर के गिरेगी। अगर कोई भी स्त्री अगर आपका प्यार में धोखा दे दी है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो ये टोटके के द्वारा आप ऐसी शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं जिससे वो स्त्री 2 घंटे के अंदर में आपके कदमों में गिरेगी और आपसे माफी मांगेगी, शर्मिंदा होकर के आपसे माफी मांगेगी और आपके कदम पर गिरे रहेगी। आप उसको कैसे आगे पीछे अपने घुमा सकते हैं, कैसे जीवन भर गुलामी करवा सकते हैं, आज मैं बहुत ही शक्तिशाली एक ऐसी चमत्कारी टोटके बताने जा रहा हूं। इस टोटके के द्वारा मन चाहे प्यार को फिर से आप वापस बुला सकते हैं। अगर कोई स्त्री से मोहब्बत आप करते हैं, वो स्त्री से बरसों से आपका प्यार संबंध बना हुआ था, लेकिन वो स्त्री अचानक से जो है कहा सुनी करके आपको छोड़ करके चले गई, चाहे वो आपकी अपनी स्त्री हो, चाहे पराई स्त्री हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर छोड़ करके चला गया तो कदमों में आकर के गिरेगी और आपसे माफी मांगेगी। ये शक्ति ये प्रयोग के द्वारा आखिर कौन सा प्रयोग करना है ताकि आप खोया हुआ बिछड़ा हुआ प्यार को आप पल भर में पा सकते हैं, आप बिछड़ा हुआ प्यार को फिर से पा करके आप उसे आप अपना जीवन साथी बना सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ चामुंडा जरूर लिखे ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अगर आप किसी स्त्री को दिल दे बैठे हैं, किसी स्त्री से आप मोहब्बत करते हैं, किसी कारण से चाहे आपकी ग्रहों की नकारात्मक प्रवाह हो, चाहे आपकी समय खराब हो जाए, चाहे किसी भी कारण से आपको अगर वो छोड़ करके चली जाती है तो आपका मन पूरी तरह से व्याकुल हो जाता है, उसके बिना आपका मन नहीं लग पाता है। आप तरह तरह का प्रयोग करते हैं, तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, आपका मोबाइल में नंबर को ब्लॉक कर देती है, उसके बावजूद भी आपसे किसी प्रकार का बात नहीं हो पाता है, आपसे संपर्क टूट जाता है। तो आज मैं ऐसी शक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहा हूं, एकदम असली प्राचीन स्त्री वशीकरण करने का तरीका। तो मित्रों, आपको इस क्रिया को करना है, आप किस दिन करना है, कब करना है, मैं सारे विधि आपको बता रहा हूं। हमारे वीडियो को आगे देखने के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन और नहीं तो रविवार के दिन। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और रविवार के दिन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको लेना होगा एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का आपको कोई कलश ले लीजिएगा, चाहे मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसके में उसमें आपको 100 ग्राम उसमें आपको जौ डाल देना है, 100 ग्राम जौ और 100 ग्राम जौ और उसमें 2 पीस लौंग डाल देना है और एक भोजपत्र लीजिएगा और भोजपत्र में जो है आपको लाल रंग का मार्कर कलम से उस स्त्री का नाम लिखिएगा जिसको आप मोहब्बत करते हैं, जो आपको प्यार को छोड़कर चली गई, उसके नाम लिखिएगा, उसका पता लिखिएगा जहां वो रहती है, अगर उसका माँ का या पिता का नाम जानते तो वो भी उसको लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद उस मिट्टी का बर्तन में सब रख देना है, उसमें जौ रख देना है, उसमें आपको उस नाम को रख देना, 2 पीस लौंग को रख करके उसमें आपको गाय का दूध लीजिएगा, गाय का कच्चा दूध उसमें डाल करके और आग जला करके इस क्रिया को रात को 11 बजे बाद कीजिएगा। आग जला कर नीचे से आग जला करके जैसे आप भोजन पकाते हैं उसी तरह उसको पका दीजिएगा, गर्म होते रहेगा नीचे में लकड़ी आग जला करके, और पूरी तरह से जब गर्म हो जाएगा वो अनाज जब पक जाएगा तो आपको करना क्या है, तो पक जाने जब वो ठंडा हो जाएगी तो उसके बाद में उसको ढक्कन लगा करके और मिट्टी से चारों तरफ पैक करके बंद कर दीजिएगा। और बंद करने के बाद में आपको चले जाना है किसी भी शमशान भूमि में, किसी भी शमशान भूमि में चल जाइए या किसी भी कब्रिस्तान में चल जाइए या कहीं भी कोई जंगल में चले जाइए, वहां पर जाकर के आपको एक हाथ गड्ढा कर देना है और गड्ढा करके 7 बार बोलिएगा उसकी नाम लेकर के, बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा, बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा,
बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा, सात बार नाम लेकर बोल करके उस गड्ढे में आपको जो डाल करके मिट्टी से दबा करके आपको चले जाना है। दो घंटे से लेकर के चार घंटे के अंदर में वो मोहब्बत में आपका दीवारी बन जाएगी, वो आपका प्यार के बिना नहीं रह पाएगी, आपसे बिना मिले नहीं रह पाएगी और दौड़ करके आपके पास आएगी घुटने के बल पर। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।